Hey Mighty Fans, की हाल चाल, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज मैं शिमला और नारकंडा से आप लोग के लिए स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या 25 दिसंबर को आपको व्हाइट क्रिसमस देखने को मिल सकता है, या क्या आप 31 दिसंबर 2021 को अपने न्यू ईयर के अंदर एंट्री स्नोफॉल के साथ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इसमें वीडियो के अंदर लेकर के आ गया हूँ, जिसमें मैं स्नोफॉल प्रेडिक्शन करूंगा 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2021 के बीच में। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने YT भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आपके लिए इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आता रहूं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, क्रिसमस पर शिमला और नारकंडा के अंदर क्लाउडी वेदर रहने वाला है, रेनफॉल की संभावना लगभग कम के बराबर है। लेकिन 26 दिसंबर 2021 की बात करें तो इस दिन रेन होने की संभावना बन रही है और हो सकता है कि नारकंडा के अंदर आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाए। लेकिन शिमला के अंदर, शिमला मतलब शिमला सिटी और आपका कुफरी का इलाका हो गया, रेन की ही संभावना बनी हुई है। अगर हम 27, 28 और 29 दिसंबर 2021 की बात करें तो लगभग 90% की संभावना है कि शिमला के अंदर स्नोफॉल हो सकती है। अगर शिमला शहर के अंदर नहीं होगी, मतलब आपकी अगर द रिज पर, द मॉल रोड के ऊपर स्नोफॉल नहीं होगी तो कुफरी में होने की 90% संभावना बन रही है। अगर आप लोग प्लान बना रहे हैं तो इन डेट्स पर ही होकर के आइए, 27, 28 और 29 दिसंबर 2021 के डेट पर। इसके बाद बात कर लेते हैं 30 दिसंबर, तो फिर से अगेन रेन की संभावना बन रही है, दिन बारिश होगी। और 31 दिसंबर की बात करें तो आपको इस साल भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को नहीं मिलेगा विद स्नोफॉल। तो 25 दिसंबर को भी व्हाइट क्रिसमस होने की संभावना ना के बराबर है, और 31 दिसंबर को भी आपका न्यू ईयर विद लाइव स्नोफॉल की संभावना ना के बराबर है। 27, 28 और 29 दिसंबर 2021 को हो करके आइए और लाइव स्नोफॉल का भी लुत्फ उठाइए 90% की संभावना के साथ। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके रह जाते हैं तो वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टेम्परेचर रहने वाला है -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रात्रि के टाइम पर, नाइट में आपका टेम्परेचर होगा, दिन में जो टेम्परेचर होगा वो 10-12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। गर्म कपड़े लेकर के जाएं, इसके साथ साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी करें। 2-3 साल के बच्चों को लेकर के ना जाएं, और अगर बहुत मजबूरी है तो पूरा पैक करके ही ले जाएं। और अगर जाना हो तो सबसे अच्छा साधन आपका इस टाइम रेल है, या बाय रोड आप जा सकते हैं। अगर आप वॉल्वो की बस की बात करें तो इस टाइम किराए बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, बने रहिए YT भारत चैनल पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।